साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य सीरीज जो शुरू की गई है इन दिनों में, उसमें आपका तीनों सिंधी भाषा के युवा और वरिष्ठ रचनाकारों का मैं अकादमी की ओर से अभिनंदन करता हूं। और इससे पूर्व में हम सिंधी कहानियों का भी एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करके प्रसारित कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी कविताएं इस समय में लोगों के लिए एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करने वाली होगी। और हम इस मंच के माध्यम से सिंधी साहित्य को, उसकी कविताओं को, उसकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने की एक सफल कोशिश से जुड़े हुए हैं। मैं आज के जो तीन सिंधी भाषा के रचनाकार हैं हमारे पास, जो हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश असुलानी जी वो नागपुर से हैं, भारती सदारंगानी जो कि हमारे साथ कच्छ आदिपुर से जुड़ी हैं, और कानेओ सेवाणी जी जो हमारे बीच भोपाल से अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हैं। मैं तीनों रचनाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले क्योंकि युवा रचनाशीलता को प्राथमिकता में रखना चाहिए, मैं सबसे पहले भारती सदारंगानी जी, उनके संक्षिप्त परिचय के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कच्छ आदिपुर से हमारे साथ जुड़ी है। आप सिंधी भाषा की युवा कवित्री हैं और लेखिका हैं, आपके एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जिस पर साहित्य अकादमी की ओर से युवा पुरस्कार से भी आपको 2016 में सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको गुजरात राज्य साहित्य अकादमी का युवा गौरव पुरस्कार भी आपको मिला हुआ है। आप वर्तमान में आदिपुर के ही एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भाषा के रूप में कार्यरत हैं। भारती जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस कविता पाठ कार्यक्रम के आरंभ में अपने चुनिंदा सिंधी कविताओं का पाठ करें। भारती जी। धन्यवाद ओम जी। मानवारा भाव ओम नागर जी, कृष्णा जी, राजेश जी, शेवाणी जी, अवांखे इन कार्यक्रम के माणींदड़न के मुझो नमस्कार। साहित्य अकादमी की थोराइती आया जो मुख्य इन कार्यक्रम में हिस्सों बणजन जो भज दिनों। कोरोना जैसी महामारी के विच इन तरह जा अदबी मेड़ सचपच जीण की ए हालात से दूबदू थे की हिम्मत दियन था। हाने मां पेंजू कुछ कविताओं तवां जे अग्या पेश कया थी। मुंजी पहरी कविता जो उनवान आहे घरवन। घरवन छोकरी चाउट ते न भी, घरवन छोकरी चाउट ते न भी, रस्ते ते न भी, गाडे ते न भी, स्कर्ट पाई थी तो उन जी देग जो ख्याल रख, स्कर्ट पाई थी तो उन जी देग जो ख्याल रख, साड़ी पाई थी त पलव के चेल सा वेड़े छ, साइकिल जी घंटी का हाथ परे कर, साइकिल जी घंटी का हाथ परे कर, कार हलाई थी त खबरदार जो लाउड म्यूजिक हलायो थे, गुनगुनाई थी त याद रख, गुनगुनाई थी त याद रख, वो बेशर्म गानो चपन ते ना अचे, दिल विल वारो गीत अज भी मना आहे तो लाए, दिल विल वारो गीत अज भी मना आहे तो लाए, दिल लगाएनी है थई तो उन मालिक सा लगाए या पैने धड़िया सा लगाए, छोकरी सब नियम याद रखे थी, लगभग सब नियम पाले थी, छोकरी सब नियम याद रखे थी, लगभग सब नियम पाले थी, नियम तोड़न ते घबराए थी, नियम तोड़न ते घबराए थी, नियम पालन ए सजा कबूल करण जे विच सजा जेड़ो जीवन काटे थी। हर नियम तोड़न ए सजा पायण खां पोए रात जो सुटकने नोटबुक में कुछ लिखनी हुई पैनी धीए जे लाए, हर नियम तोड़न ए सजा पायण खां पोए रात जो सुटकने नोटबुक में कुछ लिखनी हुई पैनी धीए जे लाए, माओ जे मरण खां पोए कबट मां उन जा पातल कपड़ा कढ़ने धीए उहा नोटबुक बचाए वरती हुई, रात जो सबनी खां लिकाए पढ़न लगी, रात जो सबनी खां लिकाए पढ़न लगी, नोटबुक में लिस्ट हुई सबनी नियमन की,
नोटबुक में लिस्ट हुई सबनी नियमन जी सबनी सजाउन जी भी लिस्ट ए पछाड़िया में सिटो हुई हूं तू मुआमर कमजोर न थी पछाड़िया में सिटो हुई हूं तू मुआमर कमजोर न थी जी तू पंहिंजे जीवन जा के पल पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ज़रूरु माणजां तू पंहिंजे जीवन जा के पल पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ज़रूरु माणजांइ तू घर खां ॿाहिरि बि वञजांइ तू हिननि मां के नियम ज़रूरु तोड़जांइ हिननि मां के नियम ज़रूरु तोड़जांइ तू मूं वांगुरु कमज़ोर न थी महिरबानी मुंहिंजी ॿी कविता जो सिरो आहे चाबी घर मोटी अचण ते हॉस्टल भी टुकरन में मुझे पुठियां लिखी हलियो ईंदो आहे घर मोटी अचण ते हॉस्टल भी टुकरन में मुझे पुठियां लिखी लिखी हलियो ईंदो आहे स्टील के दबे में बचल खुराक जी चकी जेका मुझी माओ के फिक्रमंद करे छॾी आहे त छोकरी कुछ खाए कान थी अञा गरी वई आहे डाइनिंग टेबल ते खाधो खाईंदे मुंहिंजी कुर्सीअ में लिकल मेस जी उहा चिबी प्लास्टिक कुर्सी जेका गवाह हूंदी आहे खिल चर्चनि शिकायतुनि ऐं झूड़नि उन लॉकर जी डुप्लीकेट चाबी बि जेको पहिरियों भेरो पंहिंजी असली चाबी गुम थियण ते दुखी थी पर पोइ हिरी वियो आहे डुप्लीकेट चाबियुनि ते उन लॉकर जी डुप्लीकेट चाबी बि जेको पहिरियों भेरो पंहिंजी असली चाबी गुम थियण ते दुखी थी वियो हो पर पोइ हिरी वियो डुप्लीकेट चाबियुनि ते घरां हॉस्टल मोटंदे माउ जी गिराकड़ीअ सां गॾु वधियल हॉस्टल फी जो लिकायल रखियल वेड़ियल टेड़ियल नोटिस ते वापसि हॉस्टल अची वेंदो आहे घरां हॉस्टल मोटंदे माउ जी गिराकड़ीअ सां गॾु वधियल हॉस्टल फी जो लिकायल रखियल वेड़ियल टेड़ियल नोटिस बि हॉस्टल वापसि मोटंदो आहे इहो यादि ॾियारण लाइ त पार्ट टाइम कमु ॻोल्हणो आहे इहो यादि ॾियारण लाइ त पार्ट टाइम कमु ॻोल्हणो आहे पप्पा खे वधीक परेशान न आखिरी कविता जो उन्वान आहे म्यूज़ियम दीवार ते टंगियल लाचार शींहन जा सिर दीवार ते टंगियल लाचार शींहन जा सिर शोकेस में कोकन सां कैद कयल पोपट तस्वीरुनि में बंद थियल इंसानी सभ्यता जा शानदार लम्हा हर म्यूज़ियम साॻियो नए म्यूज़ियम जे सैर लाइ अॼु मां वठी वियसि शागिर्दनि नए म्यूज़ियम जे सैर लाइ अॼु मां वठी वियसि शागिर्दनि खे इंसानी म्यूज़ियम में हर तरफ़ इंसान ई इंसान हुआ अलॻि अलॻि पहिराव में हारी हर हलाए रहियो हो मुहाणो मच्छनि लाइ ॼार विझी रहियो हो वाढो काठ घसे रहियो हो ऐं धोबी नदीअ ते कपिड़ा धोई रहियो हो ओड़ी हथ करगे ते कपिड़ो उणी रहियो त मोची चमड़ो चिमकाए रहियो हो ऐं धनार रिढुनि बकरियुनि सां गॾु वञी रहियो हो ॿार अजब में हुआ त इहे सभु केरु आहिनि असांखे डाइनिंग टेबल ते मल्टीग्रेन रोटी मिलंदी आहे कोल्ड स्टोरेज मां सी फूड ईंदो आहे शोरूम मां लेटेस्ट इम्पोर्टेड कपिड़ा फर्नीचर मिलंदो आहे ऐं कपिड़ा त ड्राई क्लीन थींदा आहिनि फैशन स्टोर मां डिज़ाइनर कपिड़ा ख़रीदबा आहिनि जूता बि ऑनलाइन मिली वेंदा आहिनि जानवर उहे त रुगो एनिमेशन फिल्मुनि में हूंदा आहिनि ऐं जानवर उहे त रुगो एनिमेशन फिल्मुनि में हूंदा आहिनि ॿारनि जी शिकिलियुनि ते नज़र ईंदड़ अजब हिन संग्रहालय खे वधीक काराइतो पढ़ाए अॼु जा ॿार स्मार्ट आहिनि हाणे संदनि स्कूलनि में स्मार्ट क्लासिस आहिनि अछा रंग बिरंगी चौक
बोर्ड ए काठ वारा डस्टर पुरानी गाल थी गया छा रंग बिरंगी चौक बोर्ड ए काठ वारा डस्टर पुरानी गाल थी गया कुछ सालन खा पोए म्यूजियम जे नए सेक्शन में चौक बोर्ड ए डस्टर सा गड कुंड में शायद मास्टर लैब जगह में कुछ सालन खा पोए म्यूजियम जे नए सेक्शन में चौक बोर्ड ए डस्टर सा गड कुंड में शायद मास्टरन लैब जगह हुंदी शायद मास्टरन लैब उहाई जगह बाकी बचन मेहरबानी बहुत बहुत समर और जीवन और मनगत की बहुत सारी भावनाओं से उत्प्रोत आपकी कविताएं सुनने को मिली भारती जी। धन्यवाद। और अब मैं अगले कवि के रूप में कानियो सेवानी जी को आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। आप का एक कविता संग्रह जो है प्रकाशनाधीन है और आप सिंधी कवि सम्मेलनों में निरंतर कई वर्षों से पाठ करते रहे हैं। आपकी कविताएं आकाशवाणी भोपाल से भी प्रसारित हुई है। मैं तानियो सेवानी जी से निवेदन करूंगा कि आपकी कुछ कविताएं गीत गजल जो भी आप पढ़ना चाहें। जी धन्यवाद आपका, आपको ओम जी को मेरा नमस्कार और साथी मित्रों को भी मेरा नमस्कार। मां थोरा तो अकादमी जो जे मुखे सुणो मौको दनो पेंजी रचनाओं पेश करण जो मां ता जे सामू पेंजी रचनाओं ही पढ़ी रहयो आ ध्यान चाहिए दोस्त सब का पहरी एक नज़्म आ जो ताने सामू पेश आ जी। रोज रोज दलालन जा फोन रोज रोज दलालन जा फोन साईं ये जमीन मुझे हथ में आ साईं हुआ जमीन मुझे हथ में आ ताके खपे रोज रोज दलालन जा फोन साईं ये जमीन मुझे हथ में आ साईं हुआ जमीन मुझे हथ में आ ताके खपे मां तंग थी पियुस एक दी मु दलालन के फोन कयो एक दी मु दलालन के फोन कयो असान जे वदन जी जमीन जदे ताजे हथ में अचे तब उधाय जो वाह वो दी अजो को दी वरी के दलाल फोन ना आयो वो दी अजो को दी वरी के दलाल फोन ना आयो एने का पो जे का मजी रचना है जे त कोरोना जी जे का दिक्कत हरी तैया तो उने ते कलम आजमाई कया के पंक्ति लिखियो ना बंद बाजारों शहर सजे में बीठल कारू सजे में घर का बाहर जेके निकरन निकरन खाइन मारू शहर सजे में घर का बाहर जेके निकरन खाइन मारू शहर सजे में सबनी जू का करण जो खैर सजे में अहड़ी कैड़ी नजर लगी अज अहड़ी कैड़ी नजर लगी अज अरु अहड़ी नजर लग अरु शेर जेम में
रचना जी आखिरी शेर सजे में बंद बाजारों शहर सजे में ने कहा वो गजल जी अच्छा तां जे सामू इशा अच्छा हथन के हलाए हलाए थकासी हथन के हलाए हलाए थकासी टंगुन के डुकाए डुकाए थकासी हथन के हलाए हलाए थकासी टंगुन के डुकाए डुकाए थकासी रही सूह आहे असा में न सागी रही सूह आहे असा में न सागी बदन के सजाए सजाए थकासी रही सूह आहे असा में न सागी बदन के सजाए सजाए थकासी असा लाए कदे की इन आई दियारी असा लाए कदे की न आई दियारी ए दीपक जाए ले थकासी असा लाए कदे आसी घणोई असान जे नसीबन हो पातो घणोई असान जे नसीबन हो पातो हथन सा लुटाए लुटाए थकासी थकासी गजल जो इशारा रुनो सी घणोई अकेले में वेही रुनो सी घणोई अकेले में वेही सबन के खिलाए खिलाए थकासी रुनो सी घणोई अकेले में वेही सबन के खिलाए खिलाए थकासी कयूं कोशिशूं पर मिली कान दिलड़ी कयूं कोशिशूं पर मिली कान दिलड़ी हथन के मिलाए मिलाए थकासी कयूं कोशिशूं पर मिली कान दिलड़ी हथन के मिलाए मिलाए थकासी गजल जो आखिर शेर छा तो चए न भगवान आयो असांजे अंगण में न भगवान आयो असांजे अंगण में कथाऊं कराए कराए थकासी न भगवान आयो असांजे अंगण में कथाऊं कराए कराए थकासी हथन के हलाए हलाए थकासी टंगुन के डुकाए डुकाए थकासी थकासी वाह नेगाव हो गजल ताने सामुआ यो के खुद तमाम घणो पसंद आ किथे मुशायरो थिनो यो मैं जरूर पढ़ने कोशिश कंदो या नई जगह ते जी सर धीर सर बड़ी है गजल ही असई बची खुशी आहे किथे बची खुशी आहे किथे रही खुशी आहे किथे पेर रुगो गोला में पेर रुगो गोला में लधी खुशी आहे किथे आहे किथे हां पेर रुगो गोला लधी खुशी आहे किथे नालो कुछ बुदल बुदल भारती जी 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 नालो कुछ बुदल बुदल डिठी खुशी आए किथे नालो कुछ बुदल बुदल डिठी खुशी आए किथे गजल शेर छा तो चवे मिले जडें टुकरन में मिले जडें टुकरन में सजी खुशी छे आए किथे आए किथे मिले मिले जडें टुकरन में सजी खुशी आए किथे
अचे फकत दर ताई, अचे फकत दर ताई टिकी खुशी आए किथे, अचे फकत दर ताई टिकी खुशी आए किथे। राजेश साईं गजल जो ही शेर ध्यान चाहिंदस साईं साईं दुनिया चरी खुशी लाए, दुनिया चरी खुशी लाए, चरी खुशी आए, चरी खुशी आए, वही वही दुनिया चरी खुशी लाए, चरी खुशी आए किथे, बची खुशी आए किथे, आए किथे वही खुशी आए किथे। वाह अकेलो रहण अज सुठो थो लगे, जपन के सुबण अज सुठो थो लगे, अकेलो रहण अज सुठो थो लगे, जपन के सुबण अज सुठो थो लगे, कुछ की न सगबो कई थम खता, कुछ की न सगबो कई थम खता, अंदर में लुछण अज सुठो थो लगे, जपन के सुबण अज सुठो थो लगे, उधारन परन सा उडामी डिठो, उधारन परन सा उडामी डिठो, जमी ते लहण अज सुठो थो लगे, तारन परन सा उडामी डिठो, धारन परन सा उडामी डिठो, जमी ते लहण अज सुठो थो लगे, जपन के सुबण अज सुठो थो लगे, मनी गाल दिल जी टिका तो खड़ी, मनी गाल दिल जी टिका तो खड़ी, अमा जो अंगण अज सुठो लगे, मनी गाल दिल जी टिका तो खड़ी, मनी गाल दिल जी टिका तो खड़ी, अमां जो अंगण अज सुठो थो लगे, अमां जो अंगण अज सुठो थो लगे। गजल जे आखिरी शेर छा तो चए, मरण में मिले थी खुदाई खुशी, मरण में मिले थी खुदाई खुशी, खुशीअ में मरण अज सुठो थो लगे, मरण में मिले थी खुदाई खुशी, खुशीअ में मरण अज सुठो थो लगे, अकेलो रहण अज सुठो थो लगे, चपन के सुबण अज सुठो थो। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा सेवानी जी, तहत और तरन्नुम दोनों में आपने सिंधी गजल का बहुत खूबसूरत पाठ किया और बहुत बेहतरीन गजलें आपने पढ़ी है। अब इस कविता पाठ में राजेश असुदानी जी से निवेदन करूंगा, आप सिंधी भाषा के वरिष्ठ रचनाकार हैं और आपको न केवल सिंधी साहित्य बल्कि विश्व की विभिन्न भाषाओं के साहित्य पर आपकी अच्छा अध्ययन और अच्छी चिंतनशीलता आपके वक्तव्यों में सदा सुनने को मिली है। मैं नागपुर से जो हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में,
राजेश असुदानी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने कुछ तो गजलों का पाठ करें। राजेश असुदानी स्वागत है सही। शुक्रिया शुक्रिया ओम भाव और दोस्तों मां राजेश असुदानी रकीब कहां जाग्या पैरों भेरो इन ऑनलाइन कवि गोष्ठी में साहित्य अकादमी पारा आयोजित कुछ हाजिर करने की कोशिश क्या तो हाँ थोड़ा बटे महीना पैर जेकर नाले से एक मजमू भी शाया थो इजाजत इजाजत चाहे तो शुरुआत क्या एक आजाद रचना का शुरुआत क्या तो जी 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 स्वागत है साईं। इन्हें आजाद रचना जो उन्वान है फैंसी ड्रेस जी फैंसी ड्रेस दिस जो नंदिया मां निकरी नंगी नींगर नंदिया मां निकरी नंगी नींगर ढके हथन सा लज के पहंजी अचरज माथी हित हित गोले हेढा होढा हेढा होढा कोन्हन जाए ते कपड़ा मुंजा कोन्हन कपड़ा जाए ते मुंजा केर खणी वियो कपड़ा मुंजा मुंजा वस्त्र कहीं चोराया नंदिया मां निकरी नंगी नींगर ढके हथन सा लज के पहंजी अचरज माथी हित हित गोले हेढा होढा हेढा होढा कोन्हन कपड़ा जाए ते पहंजी केर खणी वियो कपड़ा मुंजा मुंजा वस्त्र कहीं चोराया गोरधन धारी चीच जा मालिक वणते वेही माणी पियो थो गोरधन धारी चीच जा मालिक वणते वेही माणी पियो थो नजरुन सा तू जिस्म खे मुंहिंजो गोरधन धारी चीच जा मालिक वणते वेही माणी पियो थो नजरुन सा तू जिस्म खे मुंहिंजे जल देवता जो मान घटियो आहे जल देवता जो मान घटियो आहे खेस मां बाडा या तो साम्हूं हथड़ा जोड़े निपट उघाड़ी जल देवता जो मान घटियो आहे खेस मां बाडा या तो साम्हूं हथड़ा जोड़े निपट उघाड़ी गोरधन धारी चीच जा मालिक मोटा एडे वस्त्र मंजा गोरधन धारी चीच जा मालिक मोटा एडे वस्त्र मुंजा केडियूं बाडा इन थियूं तोखे केडिन जा था खसजन कपड़ा अलाज कहंजा मान घटण केडियूं बाडा इन थियूं तोखे केडिन जा था खसजन कपड़ा अलाज कहंजा मान घटण ते मोटा एडे वस्त्र तिंजा मोटा एडे वस्त्र तिंजा गोरधन धारी चीच जा मालिक दिसमू हथड़ा जोड़े छड़िया गोरधन धारी चीच जा मालिक दिसमू हथड़ा जोड़े छड़िया जर्द जजन जा चेहरा थी व्या घिंटी अस खुद वगी अचानक छले छोकर के पासी रोकियों जर्द जजन जा चेहरा थी व्या घिंटी अस खुद वगी अचानक छले छोकर के पासी रोकियों डायरी में पो नोट मिलियो आ डायरी में पो नोट मिलियो आ कहड़ा वाहियात ख्याली आयो सोचे समझी बारन के चौ छा ठहन था फैंसी ड्रेस में फैंसी ड्रेस आ अंड्रेस ना है फैंसी ड्रेस आ अंड्रेस ना है मैडम सांची सुभात मिल जो या थी सही आजाद रचना। एक कविता और पढ़ दीजिए राजेश जी क्योंकि पांच मिनट का तीन से चार मिनट का समय हमारे पास है। जी जी तो एक नंढड़ो गजल पेश किया तो नंढड़ा नंढड़ा लाश दिखा सब नंढड़ा नंढड़ा लाश नंढड़ा नंढड़ा लाश दिखा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश सुपनन जा कहकाव बुधा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश सुपनन जा कहकाव बुधा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश छोकर बसमा तिरकी पई ए चक्कन हेठा चू वाक्या इहड़ा बे भी थिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश वाक्या इहड़ा बे भी थिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश मस्त हवा थी नचे अंगण में खेन वड़ा टिबकन भारती जी दिसजो मस्त हवा थी नचे अंगण में खेन वड़ा टिबकन
दफ्न कबर में हेठ पिया अथव नंढड़ा नंढड़ा लाश दफ्न कबर में हेठ पिया अथव नंढड़ा नंढड़ा लाश शिवानी भाऊ साहब शेर जी 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 साईं तिडड़ी तिडड़ी हसरत आखिरी लोली अण समझल एक लफ्ज तिडड़ी हसरत आखिरी लोली अण समझल एक लफ्ज बटरे ये ही वार खुथा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश बटरे ये ही वार खुथा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश कहड़ो भगवन छाजो भगवन छा थींदो आ यार कहड़ो भगवन छाजो भगवन छा थींदो आ यार बूझो जे हे सवाल सुठा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश बूझो जे हे सवाल सुठा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश चपड़ा चुमंदे हथड़ा उघंदे ऐं घुमंदे फिरंदे चपड़ा चुमंदे हथड़ा उघंदे ऐं घुमंदे फिरंदे एडा होधा दिसो किरिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश नंढड़ा नंढड़ा लाश दिठा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश सुपनन जा कहकाव बुधा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश मुझे ख्याल से टाइम पूरो तो थे न त अजा एकड़ी तरन्नुम में गजल हो पर तरन्नुम हो बुधा सको राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने शरीन सुंदरों और भावभोज की कविताएं पढ़ी है और कन्हैया सेवानी जी ने गजलों के माध्यम से और भारती सदा रंगानी जी ने अपनी कविताओं से बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी राजेश असुदानी जी कानियो सेवानी जी और भारती संधा रंगानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ साहित्य अकादमी की इस विशेष वेब लाइन साहित्य सीरीज जो हमने शुरू की है उसका ये सिलसिला निरंतर आगे भी जारी रहेगा और अब इस मंच के माध्यम से श्रोताओं से भाषा साहित्य प्रेमियों से रूबरू होते रहेंगे। आप सबने समय निकाला साहित्य अकादमी के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया सदाई नमस्कार सदाई।